और एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल गर्म भगोने में गिरने से बुरी तरह से झुलस गई मासूम बच्ची, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्ची के उचित इलाज नहीं मिलने के चलते मौत हो गई। तो परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक एटा के मालवान थाना क्षेत्र के गांव ज्यूरी में सब्जी के भगोना में बच्ची गिर गई थी। हमारा जीतू नाम है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का कुमारपाल। कुमारपाल कहाँ के रहने वाले हो? ज्यूरी के रहने वाले हैं। कौन से थाने पड़ता है ये? हमारा थाना मलावन पड़ता है। मलावन पड़ता है। क्या बात हुई थी बच्ची को? बच्ची जल गई थी, सब्जी में गिर गई थी, तो मैं लेके आया, तो उधर लेके गया डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला आप सरकारी में चले जाओ, तो उन्हें लली बोल रही थी, यहाँ पे आई थी, डॉक्टर ने बोला उनको ले जाना, वो एसी रूम में एडमिट कर देंगे। तो वो यहाँ पे आई, बोल रही थी मामा मुझे प्यास लग रही है, मैंने कहा पिलाऊंगा पानी, तो इधर उन्होंने कोने में टल दिया कि इधर लेट जाओ। डॉक्टर ने किसी ने भी नहीं देखा, एक बार देखा कि ये उस गैया से भी ले जाओ, इतनी सी भी दवाई नहीं लगाई। किसी डॉक्टर ने हाथ लगाया नहीं? लगा कुछ नहीं, नहीं बस ने थोड़ा देखा और चले गए। बस मैं कंबल मांगने गया, कंबल के 10 नंबर रूम में जाओ, वहां से भेज दिया।